अरे ओ हरिया, ओ हरिया, अरे हाँ मालिक, अपने साथ तीन चार लोगों को ले जा और गांव में ढिंढोरा पिटवा दे। ढिंढोरा? ढिंढोरा का है बात को मालिक? अरे बात तो पूरी सुनिए नहीं, बीच में टपक पड़े टपक से। जिस बात के लिए तो बुलाओ है वो बहुत जरूरी बात है। अच्छा मालिक। हाँ, कुछ दिन बाद चुनाव होने वालों है, वहां में हमारी सभी को वोट डालने हैं। वो तो पता है मालिक, लेकिन वोटर ने हमारो का काम। अरे सुन, चुनाव हो ये वहां में हम सब चले, अरे आज शाम के 4 बजे हमारे गांव में बड़े साहब आने वाले हैं, जो हमें सब लोगों को चुनाव और वोटन के बारे में बताए। अच्छा मालिक। हाँ, इस बात को ढोलरा बजने हैं पूरे गांव में। आओ मालिक। सुनो 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 सभी गांव वालों, सुनो 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 सुनो, बूढ़े बच्चे और जवान खोल कर सुन लो अपने कान, होने वाले है मतदान, इसलिए सभी हो जाओ सावधान। सुनो 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 सभी गांव वालों, सुनो बूढ़े बच्चे और जवान खोल कर सुन लो अपने कान, होने वाले है मतदान, इसलिए सभी हो जाओ सावधान। अरे भैया डुबोगे क्यों, पीट रहे हो? संजय को 4 बजे पंचायती घर के बाहर सभी गांव वाले जइयो, जे प्रधान जी को आदेश है मतदान के बारे में बड़े साहब लोग चर्चा करे हैं शहर के। ये मतदान क्या होता है? अरे ये मतदान ही तो हमारे देश को भविष्य तय करे हैं। जा बजे संजय के 4 बजे आ जाइयो पंचायती घर के बाहर सभी जने। सुनो 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 सुनो। मिर्चिया मंगला चाची, राम राम। खुश रहो बिटिया, राम राम। और बताओ ये हरिया डुडुरिया पीट पीट के का चिल्लाए रहे, शाम का का हो गया, कौन साहब आ रहे हैं? मतदान के बारे में कही रहा मतदान है शाम को, आओ जरा बताओ हमो का, हमो तो जानी का हो रहा गाँव में। अरे चाची वो हरिया डुगडुगिया पीट रहो है कि शाम को कोई बड़े साहब आए हैं। अच्छा। जो मतदान के बारे में बताएंगे। अच्छा अच्छा, कजरी तुम्हें कछु मालूम है? हमें नहीं पता चाची। अच्छा तुम्हें नहीं मालूम। अरे गुलबिया, ए गुलबिया। मंगला चाची आए रे, जरा इधर आओ जल्दी। राम राम मंगला चाची। राम 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 राम। खुश रहो बिटिया, ये बताओ हरिया डुडुरिया पीट पीट के चिल्लाई रहो गांव में कोई बड़े साहब आए रही हैं मतदान के बारे में कछु बताइए, तुम्हें कछु मालूम है? अरे मंगला चाची सुनो तो, हम है। अच्छा। पंचायत राज घर में आए रहे हैं। अच्छा। बड़े साहब लोग आए रहे हैं कछु मतदान के बारे में समझे आए के, तो हम सब चले वही पे शाम को सुन लिया चल गए। हाँ जो ठीक रही है, ऐसा करो कजरी और ये मिर्ची और गुलबिया, जल्दी जल्दी अपन काम धंधा निपटाई लो और हम लोग शाम को चौपाल चलिए, बड़े साहब मतदान के बारे में का कह रहे हैं वो हम लोग जरूर सुनिए, क्योंकि आधी जिम्मेदारी हम महिलाओं के भी होते है। ठीक है, जाओ तुम लोग जल्दी जल्दी अपन काम निपटाओ और फिर हम लोग चलते। सुनो 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 सभी गांव वालों, सुनो बूढ़े बच्चे और जवान खोल कर सुन लो अपने कान, होने वाले है मतदान, इसलिए सभी हो जाओ सावधान। सुनो 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 सभी हो जाओ सावधान। अरे आज संजय को 4 बजे बड़े साहब लोग आ रहे गांव से, जा बजे पंचायती घर के बाहर चर्चा हुई है, सभी गांव वालों को आना है जा में। कितने बजे? अरे बताई तो अबे, संजय के 4 बजे सभी गांव वाले आ जाइयो। ये प्रधान जी ने जाने काहे मारे तीवड़ इकट्ठी कर ली सवेरे से, बूढ़े वाले और जवान हो जाओ सब सावधान, होने वाले हैं मतदान, ढोलक बजा कर हाथ मिलाने लगे हमारे। अरे जा साल लोकसभा को चुनाव है ना, ताके मारे है? बस इतनी सी बात, ये वोट वोट डाल रहे हम नहीं जाए, हमें और काम है करे, आटा की बोरी लाने है, खेतों में पानी देने है, जे काम का चच्चा करेगा। अरे दुनिया चांद पे पहुंच गई और तुम जय कतरा हो, आटा की बोरी डाल रहे हो, खेत में पानी लगाए हो, जे वोट को डाले, वोट हमारा अधिकार है। जे अधिकार अधिकार को पाड़ा हमें ना पड़ाओ, हमें अपने काम से फुर्सत नहीं मिल पात, समझे ना, अधिकार अधिकार हमें नहीं सिखाओ। बड़े अधिकारी आए तब आओ आओ।
ऐसा नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते मैडम। हमारे बीच जिले के दो वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं, हम सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। बैठ जाइए आप सभी लोग। हरिया मालाला आज हमारे बीच जिले से आए हुए वरिष्ठ अधिकारी श्री संकल्प पटेल जी, आप सभी लोगों से मतदाता जागरूकता एवं वोट के बारे में अवगत कराएंगे आप सभी लोगों को, तो सभी लोग उनकी बात को बड़े ही ध्यान से सुने। भाइयों बहनों नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे। आज जिस बात के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं वो विषय है मतदान। क्या है? मतदान। हाँ, लेकिन खैर उस सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और इस देश की 75% आबादी गांव में निवास करती है। जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे किसान भाइयों का है, ठीक उसी तरह हमारी राज्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लोकतंत्र बहुत जरूरी है। अब आप सब सोच रहे होंगे क्या है ये लोकतंत्र। मैं बताता हूँ, लोकतंत्र यानी कि एक ऐसी शासन प्रणाली जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के हित में होती है। और आप सभी को यह जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इस साल हमारे देश में 9,30,000 मतदान केंद्र बन रहे हैं, जिसमें करीब 81 करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। हमारा बस एक वोट, सिर्फ एक वोट बंदूक की गोली की तरह होता है, बस उसका उपयोग करना उसके उपयोग करने वाले के चरित्र पर निर्भर करता है। हर साल हमारे देश में 25 जनवरी मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम में से कितने ही लोग इस बात की शपथ लेते हैं कि वह मतदान करेंगे, पर क्या मात्र इससे जागरूकता आने वाली है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम लोग किसी उस बात को तब तक संजीदगी से नहीं लेते जब तक पानी सर के ऊपर ना हो जाए। आज हर व्यक्ति सरकार को कोसता हुआ मिल जाएगा, पर जब सरकार चुनने का समय आता है तब हम अपने घरों में बैठकर या तो किसी फिल्म का मजा ले रहे होते हैं या कहीं पार्टी करने निकल जाते हैं। क्यों आप लोग ये क्यों नहीं सोच पाते कि आधी आबादी के वोटों से चुनी गई सरकार आखिर कैसे पूरे देश को चला सकती है? बताइए, चला सकती है? तो मेरे साथ सब लोग ये शपथ लीजिए कि हमें अपने इस लोकतंत्र को मजबूत बनाना है और इसको सबसे आगे करना है और अपने गांव से 100% मतदान करना है, क्योंकि जब हम आगे होंगे तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। और अंत में मैं आप सबसे ये कहूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में 24 अप्रैल को होने वाले इटावा मतदान में मतदान करेंगे और अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। सर, हमारे गांव की एक बुजुर्ग महिला कटोरी देवी आपसे कुछ कहना चाहती है, बुलाइए। लला, बहुत भलो काम कर रहे हो, बहुत भलो काम, हमारो आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हम भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम हर बार वोट डालती हैं। इन लोगन को तो कतई अपनी जिम्मेदारियों को एहसास नहीं है, ये सब अपाए अपाए में मस्त हैं बस, देश के बारे में को सोचते लला, देश के बारे में जे लोग कुछ नहीं सोचते हैं, जा तरीके से एक अपनो परिवार होता है वही तरीके से जे देश हो तो एक हमारो परिवार है, हम जा देश के प्रति तो हमारी कछु जिम्मेदारी है। अब जे लोग जाए चाहे ना जाए लला, वोट डारन जावार हम जरूर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कटोरी देवी, जो आपने वरिष्ठ अधिकारियों के बीच ग्राम सभा में अपने विचार रखे। अब हमारे बीच जिले से पधारी हुई वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती ऋतु तोमर जी अपने विचारों को व्यक्त करें। नमस्कार।
मैं सलाम करती हूँ माता जी के जज्बे को, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को इतनी अच्छी तरह से निभाया। इतने साल में उन्होंने हर बार अपने मत का प्रयोग किया है। और पूछना चाहती हूँ आप सब लोगों से, यहाँ की जनता से, जो अभी भी मूक दर्शक बनी हुई बैठी है, क्या 24 अप्रैल को आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? आप निभाएंगे? आप सब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? कौन कौन डालेगा वोट? मैं डालूंगा वोट। मैं भी वोट डालूंगा। वेरी गुड। और मैं भी वोट डालूंगा। और हमारे बच्चे लोग क्या करेंगे? मैम, मैं भी अपने घर पर जाके अपने मम्मी पापा से कहूंगी कि वो भी 24 तारीख को मतदान देने अवश्य जाएं। हम सब भी जाएंगे। वेरी गुड। और अंत में ज्यादा समय लेते हुए मैं ग्राम आसई के ग्राम प्रधान श्री रविंद्र दीक्षित जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। अभी आप सब लोग बैठे रहिए, मिस्टर संकल्प पटेल जो हमारे अधिकारी हैं, वो हम सबको मतदाता जागो कार्यक्रम के तहत जो आपको शपथ दिलवाएंगे और आपको पंपलेट बांटे जाएंगे और 24 अप्रैल को सब लोग मतदान करने आएंगे। अब सब लोग खड़े हो जाइए, हमारे वरिष्ठ अधिकारी संकल्प पटेल जी हमें शपथ ग्रहण कराएंगे। सब लोग अपना हाथ आगे कीजिए शपथ के लिए। हम भारत के नागरिक, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था, अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं, रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की, अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं, लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को, की मर्यादा को बनाए रखेंगे, बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, स्वतंत्र निष्पक्ष, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण, एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को, निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए, अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर, निर्भीक होकर धर्म, धर्म वर्ग, वर्ग जाति, जाति समुदाय, समुदाय भाषा, भाषा अथवा अन्य किसी भी, अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से, प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना, प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में, सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। काहे उठा तो नहीं हो, सवेरो होएगो वोट डालन नहीं चली हो? अरे हमने जा, हम संजय हो जाए, जाओ तुम तो हम जा रहे डाल के, डालन जा रहे वोट डाल के और अपने मायके चले जाए, तुम्हें बिल्कुल छोड़ दिए है। रुक जा, अरे हम वोट डाल में चल रहे हैं। तुम सोए ले जाए, अरे चल रहे हम वोट डाल, रुक जा।